मौसम अच्छा हो तो थॉमस फॉक्ट साइकिल से ही दफ्तर जाते हैं। वे अपनी त्वचा पर कोई क्रीम भी नहीं लगाते। दिन में समय समय पर वे जानबूझकर धूप में निकलते हैं। उन्हें पता है कि वे क्या कर रहे हैं। वे डर्मेटोलॉजी के प्रोफेसर हैं। अगर आप सूरज से बचते हैं या फिर सनस्क्रीन लगाते हैं और विटामिन की गोलियां भी नहीं लेते तो फिर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसका असर न सिर्फ हमारी हड्डियों पर पड़ता है बल्कि ऑस्टियोपोरोसिस का भी खतरा बढ़ता है। इससे हमारी पूरी सेहत प्रभावित होती है, कैंसर का खतरा भी बढ़ता है, अंदरूनी अंगों का कैंसर भी हो सकता है और त्वचा का भी। शरीर पर सूरज की किरणों के असर पर प्रोफेसर फॉग कई साल से रिसर्च कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कैंसर की बीमारियों में विटामिन डी के सकारात्मक असर को तो सब मानते हैं, लेकिन हाल ही में प्रोफेसर फॉक्ट और उनकी रिसर्च टीम ने कई अहम बातें साबित की हैं। हमारे शरीर के ऊतकों में विटामिन डी के रिसेप्टर होते हैं जो ट्यूमर को रोक सकते हैं। इनमें त्वचा के ऊतक भी शामिल हैं जिन्हें कैंसर से बचने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। ऐसे में अगर हम अपनी त्वचा को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो विटामिन डी की कमी से बचना होगा, लेकिन जर्मनी जैसे देशों में विटामिन डी की कमी है। प्रोफेसर फॉक्ट और उनके साथी बताते हैं कि सिर्फ 40% लोगों में ही विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में है। सिर्फ गर्मियों में ही सूरज इतनी ऊंचाई पर होता है कि वह विटामिन डी बना सके। सिर्फ ज्यादा चर्बी वाली नमकीन पानी की मछलियां ही इस अहम विटामिन की भरपूर मात्रा मुहैया करा सकती हैं। फिर भी हमारी विटामिन डी की रोजाना की जरूरत पूरी नहीं होगी। सप्लीमेंट से भी ये कमी पूरी हो सकती है, लेकिन सिर्फ गोलियां गटकने से काम नहीं चलेगा। शरीर के लिए नियमित रूप से धूप जरूरी है। लगातार ऐसे सबूत मिल रहे हैं कि प्राकृतिक रूप से बनने वाला विटामिन डी हमारे शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद है। मसलन ये खून में ज्यादा समय तक रहता है। इसका एक और फायदा है कि इसके ओवरडोज यानी जरूरत से ज्यादा डोज का खतरा भी नहीं रहता। प्रोफेसर फॉक धूप में रहने का मशविरा देते हैं, लेकिन मुनासिब धूप किसे कहेंगे? मैं कहूंगा कि आप नियमित रूप से कई बार धूप में जाएं और चेहरे, बाजुओं और कपड़ों में रहने वाली त्वचा को भी कुछ देर के लिए धूप दिखानी चाहिए। ये धूप दोपहर से पहले और दोपहर बाद वाली हो सकती है जब सूरज की तपिश ज्यादा नहीं होती। धूप में रहने पर हमारे शरीर में विटामिन डी बनने लगती है, साथ ही त्वचा अपना बचाव भी करने लगती है। लेकिन इसमें सावधानी भी बरतनी होगी क्योंकि जरूरत से ज्यादा धूप हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। खासकर भरी दोपहर की धूप त्वचा के लिए खतरनाक है। निर्भर करता है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी त्वचा के हिसाब से कितना तापमान मुनासिब है। इसी से आप विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा ले पाएंगे। अगर आपको ये पता नहीं है तो फिर अपनी त्वचा का टेस्ट करा सकते हैं। त्वचा को जलने से बचाना होगा। ये लाइफस्टाइल ना सिर्फ आपको सेहतमंद रखेगा बल्कि आपको कैंसर से भी बचाएगा। त्वचा की हिफाजत के लिए सूरज से पूरी तरह बचना समझदारी नहीं है। वो लोग जो धूप में घंटों नहीं गुजारते बल्कि निश्चित समय के लिए धूप सेकते हैं वो ज्यादा सेहतमंद रहते हैं।